सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। ये पहला इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग पढ़ रहे चैप्टर है हीट ट्रांसफर, चैप्टर नंबर 4, पार्टिकल इंजीनियरिंग यूनिट 2। तो उसमें एक सेंसर कुछ डिवाइसेस है, इसका प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल मैंने लास्ट क्लास बताया था आपको, दो चीजें होती है, या तो एक हीट एक्सचेंजर होता है और एक हीट इंटरचेंजर होता है। तो जब किसी सेम मीडियम से सेम मीडियम में ट्रांसफर करेंगे हीट, तो हीट इंटरचेंजर ना, जैसे गैस से गैस, लिक्विड से लिक्विड। और जब आप किसी अपोजिट मीडियम से हीट को ट्रांसफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। यानी एयर से पास करना है गैस से पास करना है लिक्विड में, या लिक्विड से पास करना है गैस में, दोनों केस में क्या है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंजर। इन दिस प्रिंसिपल द वन लिक्विड, द हीट ऑफ लिक्विड इज ट्रांसफर, या हीट ऑफ स्टीम इज ट्रांसफर टू द लिक्विड। इसमें स्टीम की हीट को हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जैकेट्स बने होते हैं, इसमें आउटलेट इनलेट होते हैं, ट्यूब आउटलेट और सेल, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ध्यान दीजिए। इसका नाम क्यों है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, क्योंकि सेल अलग पाथवे है और ट्यूब अलग पाथवे है। सेल और ट्यूब, ट्यूब से हम स्टीम पास करते हैं और सेल से हम लिक्विड पास करते हैं, बात समझिए। दोनों अलग अलग पाथवे है और दोनों अपोजिट चलते हैं, अगर स्टीम यू जा रहा है तो लिक्विड यू जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो क्योंकि सेल और ट्यूब की ओपनिंग होती है, इसलिए इसका नाम होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब आप देखिएगा, ये ट्यूब आउटलेट है, यहां से ये को ये सेल इनलेट है, यहां से हम लिक्विड डालेंगे जिस लिक्विड को हमको हीट करना है, और ये हमारा ट्यूब इनलेट है, यहां से हम क्या डालेंगे, ट्यूब इनलेट से वो डालेंगे गैस जिसको हमको स्टीम पास करनी है, ठीक है ना। ट्यूब इनलेट है, इसको चेंज करते हैं यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं ट्यूब इनलेट और इसका सेल आउटलेट, ठीक है। क्योंकि जो ट्यूब है वो अंदर अंदर कनेक्शन है, और जो सेल वाला है ट्यूब वाला है, सेल वाला है अंदर अंदर, ट्यूब वाला बाहर बाहर, सोचिए इसको। अब क्या हो रहा है कि जब हम इधर से ट्यूब इनलेट से स्टीम डाल रहे हैं, या सेल इनलेट से स्टीम डाल रहे हैं, और ट्यूब से लिक्विड डालेंगे, दो में से एक से लिक्विड डालेंगे और एक से स्टीम डालेंगे, और क्या कंस्ट्रक्शन पार्ट होते हैं, बैफल्स होते हैं, बैफल्स होते हैं जो इसके डायरेक्शन घुमाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसके बाद ट्यूब हीटिंग सीट्स होते हैं, ये ढेर सारे सीट्स हैं, या ट्यूब की सीट होती है, जाल होती है, इसमें ढेर सारे पाइप्स लगे होते हैं। वर्किंग की बात करें, बहुत सीधा सा वर्किंग है भैया, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमको ट्यूब हमारा आउटलेट, जो हमारा सेल इनलेट है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्यूब आउटलेट से, ट्यूब इनलेट से हम क्या डालेंगे, यहां से डालेंगे अपना जो भी है लिक्विड जिसको हमको हीट करना है। तो हमने जब लिक्विड को भर दिया, तो ये लिक्विड पूरा ऊपर कंटेनर में भर जाएगा, ठीक है ना। हमने यहां से लिक्विड डाल दिया, और डालने के बाद देखा पूरा लिक्विड यहां पे भर गया। अब क्या करेंगे, सेल इनलेट से हमने लिक्विड डाला, लिक्विड नीचे आ रहा है, आउटलेट से निकालेंगे, और ट्यूब इनलेट से हम स्टीम डालेंगे, स्टीम ऊपर की तरफ जाती है ना, ट्यूब इनलेट से क्या स्टीम भाप। तो ट्यूब इनलेट से स्टीम इस जंक्शन के द्वारा ऐसे 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 घूम के बाहर निकले, ट्यूब इनलेट से डाला हुआ, यहां से घूम के यहां से बाहर निकलेगा, यानी इस पूरे रास्ते को गुजरते हुए निकलेगा, और रास्ते में जो स्टीम आपने डाला है वो ठंडी हो जाएगी, यहां आते आते ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसके अब सेल में यहां से आपने लिक्विड भरा है, तो जो बीच बीच का स्पेस है सब में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। यानी ये जितने स्पेस आपको बीच बीच में दिख रहे हैं, इन सारे स्पेस में, यानी इन स्पेस में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इन सारे स्पेस में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो क्या होगा कि जब स्टीम की लिक्विड को होके पास करता है, तो ये लिक्विड गर्म हो जाती है और स्टीम हमारी ठंडी हो जाती है, तो ठंडी स्टीम यहां से निकल जाएगी और जो लिक्विड होता है गर्म होता है वो यहां से निकल जाएगा। यानी एक डायरेक्शन से हमने लिक्विड डाला ठंडा और दूसरे से गर्म निकाला, एक डायरेक्शन से हमने स्टीम डाला गर्म और दूसरे से ठंडा निकाला, क्या हो रहा है, लिक्विड और स्टीम के बीच हीट का एक्सचेंज। ये सिंपल सा एडवांटेज की बात कर ले, तो सिंपल मेथड है, इसमें हम आसानी से इसको हीट चेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एडवांटेज की बात करें, कम टाइम में होता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, दूसरा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें, तो स्लो प्रोसेस है, इतना करने में थोड़ा समय लगता है, और दूसरा क्या है कि हम इसको लार्ज अमाउंट के लिक्विड को हीट नहीं कर सकते, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है 10-5 लीटर के लिए, उतना ही कर सकते हैं, और बड़ी क्वांटिटी के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ये था हमारा पूरा का पूरा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल और उसका वर्क, ठीक है ना। चलो हमारा दूसरा एक्सचेंजर है हीट एक्सचेंजर, फ्लोटिंग हेड हीटर। इसका कंस्ट्रक्शन समझिए, वर्किंग समझिए, प्रिंसिपल समझिए। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल सेम है, वही जो पहले था, ये किस पे बेस्ड होता है, ये हीट एक्सचेंजर पे बेस्ड होता है जिसमें स्टीम से लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग है उस वाले से, इसमें जो हीटर्स लगे हैं ये फ्लोटिंग है, यानी इसको हम आसानी से इधर घुमा सकते हैं। जैसे मैं मानू एग्जाम्पल तौर पे ये जो हीटर्स लगे हैं, ये मैंने माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये ऊपर वाला एफ है, ठीक है। तो ये पार्टीशन एरिया है जो बीच से पार्टीशन हो रहा है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में खासियत क्या है कि अगर ये हीटर्स को यहाँ से हम रोटेट कर दे, ठीक है, इस हीटर को यहाँ से हम रोटेट कर दे तो क्या होगा, अब ए बी सी ऊपर चला जाएगा और डी ई एफ नीचे चला जाएगा, समझ आ रहा है। फिर घुमा दे तो फिर एबीसी नीचे डी एफ ऊपर, यानी इन तीन तीन के जो फ्लोटिंग है इनको हम घुमा सकते हैं क्योंकि ये आसानी से घूम सकते हैं, इसलिए इनका नाम फ्लोटिंग हेड हीटर। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना या बहना, क्योंकि आसानी से ये तैर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या खास बात है, बाकी वही इनलेट है आउटलेट है, ये सब जो पहले था वही चीजें, कुछ नया नहीं। वर्किंग की बात कर ले, कैसे काम करेंगे, सबसे पहले काम करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ से इनलेट लेंगे, जो भी आपको गर्म ठंडा आपको लिक्विड गर्म करना है उसको आप यहाँ से फिल करिए, फिल करके बंद करिए तो क्या होगा, पूरे चैम्बर के अंदर वो लिक्विड भर जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से आप क्या करिए, ऊपर से स्टीम डालेंगे, जब स्टीम डालेंगे तो आप देखेंगे स्टीम बहता हुआ यहाँ आएगा, फिर 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 यहाँ आएगा और पूरे में स्टीम फैलेगा। जब पूरे में स्टीम फैलेगा तो आसपास जितने भी लिक्विड भरे हुए हैं वो सारे गर्म हो जाएंगे। जब गर्म होंगे, अच्छा जो स्टीम है वो ठंडी होगी, और जब आप गैस ठंडी होती है तो क्या बन जाती है, लिक्विड, तो वो कंडेंसेट होके यहाँ से बूंद बूंद करके बाहर निकलेगी। जो स्टीम है वो कंडेंसेट आउटलेट के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगी। अच्छा होता क्या है, कभी कभी आप क्या करेंगे, जब यहाँ से आप स्टीम दे रहे हैं तो ये शुरू के तीन चैम्बर ज्यादा गर्म होंगे और नीचे के तीन बहुत कम गर्म होंगे, ऐसा होगा नहीं होगा, तो ऊपर से नीचे आ जाएगी गैस ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पे जल्दी हीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे हीटिंग जल्दी होगी। तो हम जब इसके पार्टीशन बीच में है फ्लोटिंग हेड को रोटेट कर देंगे, जब फ्लोटिंग हेड को रोटेट कर देंगे ये नीचे आगे होती ऊपर चला गया, अब यहाँ जल्दी ज्यादा गर्म होगा वहां कम गर्म होगा, ये हमको दोनों तरफ बराबर मिक्सिंग हो, बराबर पूरी तरह से हीट ट्रांसफर हो, इसलिए इसको फ्लोटिंग का फायदा क्या है, इसको घुमा करके आसानी से ऊपर नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमारा लिक्विड जो हमारा आउटलेट है हार्ड लिक्विड हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और जो ठंडा गैस हमारा है कंडेंसेट जो होता है वो उसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, हमारा काम फिनिश, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि इसमें पूरी तरह से अच्छा है, पहले वाले से बेटर क्या हो रहा है कि फ्लोटिंग होने के कारण पूरी लिक्विड में यूनिफॉर्मली हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल एजा और एजा नहीं, हीट ट्रांसफर थोड़ा सा और अच्छे से होता है और जल्दी होता है, टाइम कम लगता है पहले वाले से क्योंकि उसमें बाकी तरह वेट करना पड़ता है पूरा हो जाए उठाए, इसमें क्या होगा जल्दी ही दोनों केस में ये पॉसिबल हो सकता है। ये हमारा पूरा का फ्लोटिंग हीट एक्सचेंज, ठीक है ना।